दिखेगा। नमस्कार, खबर खास देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। बारिश ने पूरे झारखंड में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जमशेदपुर से लेकर गिरिडीह तक और रांची से लेकर गढ़वा तक लोग बारिश से घरों में रहने को मजबूर हैं। निरसा के मैथन डैम का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचने से निचले इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश से मैथन डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। डैम का जलस्तर खतरे के निशान से मात्र 5 फीट नीचे है। डैम के 9 फाटक खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। गढ़वा में बारिश के कारण 3 दिन से भूखे पड़े मवेशियों को चराने निकला चरवाहा नदी में बह गया। केतार थाना क्षेत्र के नदी के पास मवेशियों को चारा खिलाने घास के मैदान जा रहा था, उसी दौरान नदी के तेज बहाव के कारण वे बह गया। उसके शव की खोजबीन की जा रही है। कोडरमा की जयनगर स्थित अक्तो नदी में बाढ़ आने से शाहनवाज खान नामक शख्स बह गया। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसे ढूंढने के लिए जयनगर प्रशासन ने गोताखोरों की टीम बुलाई गई, जिसने काफी देर तक नदी में खोजबीन की, लेकिन फिर भी शाहनवाज के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश से प्रखंड के गांवों के तकरीबन आधा दर्जन से अधिक खपरेल मकान धराशायी हो चुके हैं। इधर लगातार बारिश से हलमता, मुरुदाग, नंगवा समेत कई गांवों के लोग बारिश की वजह से परेशानी उठा रहे हैं। साथ ही भुक्तभोगियों ने स्थानीय बीडीओ उत्तम प्रसाद से लिखित आवेदन देकर पीएम आवास की मांग की है। सरायकेला में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश के कारण चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ गया है और पुल बह गया। चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ने से 50 गांव के प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक तरफ जहां डैम में पानी लबालब भर गया है, नदियां उफान पर हैं, ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की नींद उड़ गई है। दूसरी तरफ दुर्गा पूजा के लिए बनाए जा रहे पंडाल का निर्माण कार्य पर भी असर पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से गिरिडीह में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश से गिरिडीह के खंडौली डैम का जलस्तर काफी बढ़ गया है। यहां पानी खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है। इसके आसपास के गांवों में दहशत का माहौल है। इससे पहले कोई बड़ा हादसा हो, ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। लगातार बारिश से गिरिडीह के कई गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट चुका है। बारिश के कारण कई घर जमींदोज हो गए हैं। बारिश की मार इतनी घातक है कि पटना से बलहरा के लिए बनाई जा रही सड़क बनने से पहले ही बह गई। वहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तो लगभग पूरे राज्य की स्थिति एक जैसी नजर आ रही है। बाढ़ जैसी स्थिति है, कहीं सड़क तालाब में तब्दील हो गए हैं तो कहीं शख्स पानी में बह गया है जिसका कोई पता नहीं चल पाया है। तो जो झारखंड में तबाही हो रही है बारिश के वजह से, लोग हलकान हैं, परेशान हैं। हर जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अब सीधा रुख करेंगे हमारे 3 सहयोगी अरविंद गिरिडीह से, प्रभात है जमशेदपुर से और रांची से अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम गिरिडीह चलते हैं और अरविंद से बात करते हैं। अरविंद, वहां पर अभी क्या स्थिति है बारिश को लेकर? देखिए रायदा, मैं बता दूं कि मौसम का जो मिजाज बदला है वो लगातार जारी है। कल राहत की बात रही कि कल सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक बारिश नहीं हुई, इसके कारण लोगों ने राहत महसूस की। खास करके व्यवसायी वर्ग के लोग, कपड़े दुकानदार या अन्य दुकानदार जो पूजा बाजार पर आधारित है, उन लोगों ने राहत महसूस की। कल ग्राहक का दर्शन उन लोगों को हुआ, लेकिन रात में फिर जोरदार बारिश हुई और अभी भी मौसम उसी तरह बना हुआ है। तो कहा जा सकता है कि बारिश ने सबसे ज़्यादा कहर गरीबों की के आसियानों पर बरपाया है। गांडे के कई घरों में पानी घुस गया, मिट्टी के कई घर ध्वस्त हो गए। जान माल की बात कही जाए रायदा, तो गिरिडीह में एक युवक उसी नदी में बह गया जिसका कोई अता पता अभी तक नहीं चल पाया है। उसी प्रकार बगोदर में एक मकान ढहने से एक महिला की मौत हो गई। राय धनवार में पुल ध्वस्त होने से आवागमन ठप हो गया।
तो कहा जा सकता है पूरे जिले में कहर बरपाया है बारिश ने, और इस बारिश से लोग अब निजात चाहने लगे। जो बारिश की मांग ऊपर वाले से कर रहे थे कि बारिश नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही है, लगातार बारिश से अब परेशान हो रहे हैं। अब ये बारिश धानों की फसल को कितना नया जीवन दान देगा ये तो बाद की बात है, लेकिन लगातार बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त दिख रहा है। खास करके पूजा पंडालों में रायदा मैं बता दूं कि तैयारी में व्यापक व्यवधान पड़ा है। पूजा पंडाल जो बड़े बड़े जहां पर पंडाल बनाए जाते हैं, चाहे अकाडमी मैदान हो, पपरवाटाड़ का मैदान हो, सीसीएल का क्षेत्र हो या राजधनौर का पूजा पंडाल हो, वहाँ पर व्यापक असर पड़ा है। पंडालों के निर्माण में व्यवधान पड़ा है, बावजूद इसके कारीगर दिन रात लगे हुए हैं। जैसे ही बारिश छूटती है तो लोग पुनः पंडाल के निर्माण में लग जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि इस बार अगर बारिश का मौसम इसी तरह एक दो दिन और रहा तो निश्चित तौर पर बारिश का असर पूजा बाजार में पड़ेगा और पूजा का रंग, दुर्गा पूजा का रंग फीका फीका नजर आएगा। जी राजा, अभी थोड़ी देर के लिए वहाँ पे राहत है, अभी वहाँ पे बारिश थोड़ी थमी हुई है। जी राजा, सुबह 4 बजे तक बारिश हुई, अभी थोड़ा मौसम में कहा जा सकता है कि बदलाव आया है। बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन मौसम अभी भी उसी तरह बनाया हुआ है। अब स्थिति ये है कि लोग दुआ करने लगे हैं, कम से कम दुकानदार जो तबके के लोग, कि कम से कम 2-3 दिन तक बारिश ना हो ताकि ग्राहक खरीदारी के लिए निकले, जो पूंजी उन लोगों ने लगाया है वो डूबे नहीं। ये तमाम चीज़ें जो जिस ईश्वर से कुछ दिन पहले बारिश के लिए दुआएं की जाती थी, आज उनसे रहम की बात कही जा रही है। तो कहा जा सकता है कि दुकानदारों ने राहत की सांस ली है, हालांकि किसानों के चेहरे में चमक है। कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ जो धान के फसल बर्बाद हो रहे थे उसमें कुछ ना कुछ हरियाली आएगी, रौनक आएगा, धान की बालियां आएगी, तो किसानों के चेहरे में कुछ चमक है। लेकिन जो लोग इस पर आधारित है, जो दिवाली के दीप, मैं बता दूं कि कई कुंभकार जो है वो दीपावली के दीप पहले बना लेते थे, उनका रोजगार छीना है, वह दीप वो सुखा नहीं पा रहे, बना नहीं पा रहे हैं। वे लोग भी दुआ कर रहे हैं कि कुछ दिन बारिश से मुक्ति मिले। तो कहा जा सकता है कि एक ओर जहाँ खुशी है वहीं गम की भी स्थिति है। खास करके बारिश का सबसे ज़्यादा असर नीचे इलाके में रहने वाले लोगों के ऊपर पड़े, जिनके घरों में पानी घुसा है, बरसात का पानी, नालियों का गंदा पानी घुस रहा है, उन लोगों पर थोड़ा असर पड़ा है। बाकी जो स्थिति है कि पूजा बाजार पूरी तरह प्रभावित हुआ है, और अगर एक दो दिन इसी तरह बारिश होती रही तो निश्चित तौर पर दुकानदारों को मंदी की मार का सामना करना पड़ेगा। जी, जमशेदपुर का रुख करते हैं, सहयोगी प्रभात मौजूद है। प्रभात, अभी वहां पर बारिश को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? जी राजा, देखिए बता दूं मैं कि अभी फिलहाल तो बारिश रुकी हुई है, लेकिन रात भर बारिश हुई है। निश्चित तौर पर बारिश होने से सबसे ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत होता है तो डेली कमाने खाने वाले लोग को, जो डेली जो ठेले वाले हो गए, खमचा वाले हो गए, सब्जी वाले हो गए, उन लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। जो पिछले 5 दिनों से लगातार जो वर्षा हो रही है, निश्चित तौर पर पूरे जमशेदपुर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि रात भर पानी गिरी, फिलहाल अभी पानी बंद है, लेकिन पानी गिरने से जो नदी का जलस्तर है वो बढ़ गया है, और जो थोड़ी बहुत निचले इलाके वहाँ कहीं 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 पानी आने की सूचना है। हालांकि जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखा है कि अगर वाटर लॉगिंग होती है तो उससे कोई समस्या पैदा ना हो। इसको लेकर कल भी एक अभियान जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा चलाया गया था, और जहां जहां भी जो कचड़े जमे हुए थे, मिट्टी जमे हुए थे, उस सबको साफ किया गया ताकि जो वाटर लॉगिंग की समस्या ना हो। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, किसी तरह कोई भी अगर घटना होती, जो बारिश के चलते कहीं कहीं एक दो पेड़ गिरे हैं उससे थोड़ी बहुत आवाजाही में बाधित हुआ है, लेकिन ऐसे अगर कह सकते हैं तो जमशेदपुर में जनजीवन तो अस्त व्यस्त है, क्योंकि वर्षा इतना हो रही है और ये चलते जीवन अस्त व्यस्त है। साथ ही साथ जो स्कूल जाने वाले बच्चे, उन लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिलहाल अभी वर्षा यहाँ बंद है। जी राजा, चलिए जमशेदपुर में फिलहाल बारिश थमी हुई है। अब रांची की बात कर ले अंजनी, रांची में भी सुबह से मौसम थोड़ा ठीक है, बारिश तो नहीं हो रही है। हाँ देखिए, कल की अपेक्षा यदि बात करते हैं राजदा, तो आज सुबह से जो है बारिश नहीं हुई है, और जैसा लग रहा है कि इसी तरह का मौसम बना रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि लगातार बारिश से जो है हर लोग परेशान हो गए हैं। और विशेष तौर से यदि बात करते हैं तो जो पूजा पंडाल का जो निर्माण चल रहा है उसका जो बाहरी काम है वो पूरी तरह से बंद है, और अब जो है हवा में थोड़ी ठंडकपन आ गई है, मतलब ये दस्तक दे रहा है कि अब जो है जो जाड़े का जो मौसम है उसका आनंद भी अब लोग धीरे धीरे
उठाने लग गए हैं, क्योंकि अब रात में जो है चादरों की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही थी। और वैसे में ये जो तालाब हैं, जो नदियां हैं, उसमें पानियों का उफान काफ़ी है, तो ये बारिश से जहां नदियों में पानी भर रहा है, और रांची में जो जो तालाब बनाए गए थे उसमें कुछ जल जमाव जो है हुआ है, तो ये एक अच्छा मतलब अच्छा संकेत है। लेकिन यदि इस पूरे बारिश की हम बात करेंगे, जो लगातार बारिश हो रही थी उसमें जो आम जनजीवन था वो जरूर अस्त व्यस्त हो गया था। जो दैनिक मजदूर, जो तिहाड़ी मजदूर जो काम करते थे, उनके लिए मुश्किल हो गया था काम मिलना, या जहाँ से काम मिलता वहाँ तक पहुँच पाने में लोगों को परेशानी हो रही थी। लेकिन इस बारिश में यदि सबसे ज़्यादा किसी की कमाई हुई है तो वो ओला और कैब जो गाड़ियाँ चलती हैं उसकी जो है, उसका बाजार बहुत अच्छा था, क्योंकि लोग तुरंत तुरंत गाड़ियाँ बुक करके अपने गंतव्य स्थानों की ओर जा रहे थे। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहेंगे कि मौसम विभाग ने जो कहा है कि एक अक्टूबर तक जो है इसी तरह का मौसम बना रहेगा और रुक रुक कर बारिश होगी। जिस तरह से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इलाके में जो मानसून का जो सर्कुलेशन है उसका इफेक्ट जो है झारखंड में दिख रहा है, और बंगाल की खाड़ी का जो इलाका है वहाँ भी मानसून काफ़ी सक्रिय है। तो ऐसे में जहाँ झारखंड में बारिश हो रही है तो कई राज्यों में भी बारिश हो रही है, लेकिन झारखंड में जहाँ जहाँ लगभग अधिकांश जिलों में दुर्गा पूजा का बड़ा बड़ा पंडाल बनाया जाता है। राजदा, आप रांची में लगभग 305 पूजा पंडाल का निर्माण कार्य चल रहा है, और रांची का दुर्गा पूजा का एक अलग अट्रैक्शन होता है, तो वैसे में पूजा पंडालों का जो निर्माण कार्य है वो जरूर बाधित हुआ है। और अब जो है इसी तरह का मौसम जैसे अभी बना हुआ है तो काम प्रगति पे रहेगा। लेकिन इस बारिश ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जो यात्रा थी, गुमला और देवघर की यात्रा, वो पूरी तरह से बाधित हो गया, रद्द हो गया। तो मौसम की मार हर जगह दिखाई दे रही है, और मौसम के आगे किसी का भी नहीं चलता है, मौसम अपने हिसाब से चलता है, लेकिन मौसम को बिगाड़ने वाले हम लोग हैं। जहाँ अधिकांश जो है पेड़ पौधे कट रहे हैं और जमीन जो है पथरीली हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट भी हम ही लोगों को भोगना होगा। तो ऐसे में अब लगता है कि बारिश अधिक, लेकिन फिर भी रांची में यदि आसमान की तरफ हम लोग देखते हैं राजधा अभी, तो अभी भी जो बादल है वो सक्रिय है, बादलों का मूवमेंट है और काले बादल भी है, तो बारिश हो सकती है। रुक रुक कर बारिश होने की बात जो है मौसम विभाग ने कही है, तो वो दिखाई देता है बादल। बीच में थोड़ी हल्की धूप हुई थी, लेकिन फिर जो है सूर्य भगवान जो है वो पूरी तरह से बादलों के आगोश में है। तो अब देखना ये होगा कि ये जो लुका छिपी का जो खेल आसमान में चल रहा है वो कब समाप्त होता है, क्योंकि सूर्य नहीं दिखने से लोगों को परेशानी हो रही है। और ऐसे में जो मरीज हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो आस्थमा के पेशेंट हैं, उनके लिए मौसम जो है अनुकूल नहीं है। तो वैसे लोग जो हैं, जो मरीज हैं या ओल्ड एज के जो लोग हैं, अपना जो सेहत है उनका जरूर ख्याल रखें, और समय पे जो अपनी दवाएं लेनी है वो जरूर लेनी चाहिए, और घर में जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका विशेष तौर पे लोगों को जो है ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये मौसम जो है बीमारी लेकर के भी आ रहा है, हॉस्पिटलों में भी भीड़ है, लोग परेशान हैं। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहेंगे कि मानसून का जो है उसका अपना मिजाज है, और वो अपने मिजाज से चलता है। तो अब देखना ये होगा कि 1 या 2 अक्टूबर के बाद जो है रांची में, झारखंड में धूप खिलेगी, ऐसा कहना मौसम विभाग का है। बिल्कुल अंजनी, बारिश ना सिर्फ परेशानियां लेकर आता है बल्कि बीमारियां भी बढ़ जाती हैं, तो जाहिर तौर पर सभी को अपना ख्याल रखने की जरूरत है। अरविंद, गिरिडीह में नदियां उफान पर नजर आई, मुश्किल से 5 से 6 दिनों की ये बारिश थी, लेकिन जो नदियां थी वो उफान पे थी। कोडरमा के रेलवे ट्रैक पर चट्टान गिरने की वजह से परिचालन बाधित हुआ, और साथ ही ये बारिश कहीं ना कहीं नगर निगम की भी पोल खोलती हुई नजर आई। देखिए रायदा, मैं बता दूं कि बारिश का जो औसत बारिश हुई है उसमें गिरिडीह का वाटरफॉल, जो यहाँ का मनोरम स्थल है, वहाँ पर बारिश का जबरदस्त असर देखा गया।
वाटरफॉल काफ़ी तेजी से बहाव की ओर था। उसरी नदी कहा जा सकता है, जो उसरी नदी में पानी का दर्शन नहीं हो पा रहा था, वे पुल को छू दिया पानी। कुछ देर और बारिश होती तो शायद पुल पर चढ़ जाता। लेकिन मैं बता दूं कि जिले के कई अन्य इलाकों में बिरनी के खुरजियों पुल पर बारिश का पानी ऊपर से बहने लगा, जिसके कारण आवागमन प्रभावित हुआ। तो कहा जा सकता है कि कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश का असर देखा गया। ना सिर्फ आवागमन प्रभावित हुआ कई इलाकों में पुल ध्वस्त होने के कारण, बल्कि कई लोगों का के सर से मकान का साया, जिसको कहा जा सकता है कि आशियाना था, वो छीन गया है। अब ऐसे जगह पर आकलन करना होगा। रही बात नगर निगम की, तो गिरिडीह शहरी क्षेत्र में मैं बता दूं कूड़ा उठाने के मामले में गिरिडीह नगर निगम नंबर वन कहा जा सकता है, क्योंकि जो कूड़े के ढेर शहर में नजर आते थे वे अभी नज़र नहीं आते हैं। सफाई अभियान तेज पर है, लेकिन जो जाम नालियाँ हैं, जो बंद नालियाँ हैं, उसे सफाई करने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की जाती है। यही कारण है कि बारिश के मौसम में जब बारिश जबरदस्त होती है तो नालियों का पानी सड़क पर आ जाता है, कई लोगों के घरों में घुस जाता है, ऐसे में परेशानी होती है। तो सफाई के मामले में ऊपरी सतह पर जो सफाई की बात है उसमें नगर निगम को पास कहा जा सकता है, लेकिन जो बंद नालियां हैं उसे खोलने की दिशा में, उसी सफाई की दिशा में पूरी तरह फेल नजर आती है। और यही कारण है कि लोगों को ऐसा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। जो नालियों के अगल बगल रहने वाले लोग हैं उनके घरों में दुकानों में गंदा पानी घुस जाता है, जिससे वे परेशान होते हैं। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम की बात की गई थी कि शहर में ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा, लेकिन वह योजना अभी तक फाइलों में ही दम तोड़ रहा है। कई इलाकों में सकरी नालियां हैं और उन नालियों का गंदा पानी सीधे तौर पर घरों में घुस जाता है। बनाई जाती है लेकिन वो पूरे नहीं होते हैं और उसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। लगातार हो रही बारिश का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, गंदगी नजर आ रही है और साथ ही जो बारिश है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आप तीनों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ना सिर्फ रांची, गिरिडीह और जमशेदपुर बल्कि पूरे राज्य की ऐसी ही स्थिति है। धनबाद में भी सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि आज सवेरे से बारिश थोड़ी सी थमी हुई है तो लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन उम्मीद यही है मौसम विभाग की अगर बात करें तो 1 अक्टूबर तक ऐसी स्थिति रहने वाली है। हमारे सहयोगी अरविंद, प्रभात और अंजनी बने हुए हैं। प्रभात, ना सिर्फ आम आदमी की जो मुश्किलें बढ़ी हैं बल्कि अगर बात करें सियासत की, राजनीति की, तो उसमें भी खलल पड़े हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यक्रम थे, उन्हें स्थगित करना पड़ा इन्हीं बारिश की वजह से। बिल्कुल राजदा, आपने सही कहा कि जो मुख्यमंत्री का जनसंवाद यात्रा था वो सरायकेला में होना था, बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो राजनीतिक ये है कार्यक्रम है वो भी स्थगित हुए हैं। बारिश के चलते इवन राष्ट्रपति का कार्यक्रम भी स्थगित हुआ और जो बड़े बड़े कार्यक्रम है वो भी जो बारिश की वजह से कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से वर्षा हो रही है पिछले 5 दिनों से और 1-2 दिन तक ये ऐसी स्थिति रहेगी, तो निश्चित तौर पर जो दुर्गा पूजा का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं उसमें विघ्न पड़ेगा। जो दुर्गा पूजा का जो लोगों में उत्साह रहता था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ रहा है, कमी नज़र आ रही है, मायूस नज़र आ रहे हैं लोग जिस तरीके से वर्षा हो रही है। पंडालों की स्थिति वही है, पंडाल की जो कारीगर है वो काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं क्योंकि कंटिन्यू वर्षा हो रही है, उसके चलते पंडाल भी सही से बन नहीं पा रहे हैं, मूर्तियां नहीं सूख पा रही हैं, जो उसमें कलर देना है, माँ का रूप उकारना है, वो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना कारीगरों को करना पड़ रहा है। साथ ही साथ मैंने पहले भी कहा सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत कोई अगर झेल रहा है बारिश है तो वो है रोजी रोटी डेली कमाने खाने वाले जो टोला खमचा वाले हैं, चाहे सब्जी वाले हैं, उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है कि जिस तरीके से बारिश हो रहा है वो ना अपना दुकान लगा पा रहे हैं, ना सब्जी की दुकान सही से लगा पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बारिश ने पूरे राज्य में इस तरीके से परेशानी खलल डाली है हर एक काम में, चाहे वो स्कूल जाने की बात, स्कूल की बात हो, पंडाल की बात हो, रोजगार की बात हो, सभी क्षेत्र में वर्षा ने बाधा डाला है। हालांकि वर्षा अभी फिलहाल तो थोड़ी थमी हुई है, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 अक्टूबर तक या फिर उससे 1 दिन आगे भी वर्षा ऐसे ही होगी। हालांकि जो सरायकेला का क्षेत्र है वहाँ 1-2 जगह छोटे मोटे जो पुलिया हैं वो जो बहने की बात सामने आई थी, मानिकुई जो पुल है वो उसका डाइवर्सन भी बह गया था 2 दिन पहले, चांडिल डैम का कल और एक फाटक खोला क्योंकि अगर पानी का दबाव ज़्यादा बढ़ेगा तो आसपास के क्षेत्रों में पानी बढ़ने की उम्मीद है, इसलिए लेकर चांडिल के डैम और एक
खोला गया जिससे कि नदी का जल स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन पानी से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। जी राजा, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, रांची में भी ऐसी स्थिति नजर आ रही है। दुर्गा पूजा को लेकर अंजनी तैयारियां जोर शोर से की जा रही थी, लेकिन इस बारिश ने उन तैयारियों को धीमी कर दी है। हाँ, जाहिर सी बात है कि जब लगातार बारिश हो रही है, तमाम जो पूजा पंडाल का जो बाहरी स्वरूप है वो किसी भी पूजा पंडाल का तैयार नहीं हो पाया है, क्योंकि जो सजावट का काम होता है अधिकांश जो है थर्मोकोल का होता है या फिर अलग अलग तरह की पेंटिंग बनाई जाती है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं बंद हैं और कारीगर जो है पंडाल का जो आंतरिक रूप सज्जा है तो उसको बनाने में व्यस्त जरूर हैं, लेकिन उनके सामने भी चुनौती समय का होता है, क्योंकि पूजा पंडाल जो है 3 तारीख से खुलने की बात पूजा पंडाल वालों लोगों ने की है, लेकिन अब ये देखना होगा कि कैसे किस गति से अब काम होता है, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है, तो वैसे में जो पूजा पंडालों की जो सुंदरता है संभवतः जो है पूरी तरह से हम लोग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि लगातार बारिश आ रही है और कहा गया है कि 1 अक्टूबर तक जो है बारिश होते रहेगी, तो ये मौसम का मिजाज है और मौसम का मिजाज बदलेगा, कभी कुछ होगा, लेकिन इस मौसम ने नगर निगम की पोल जरूर खोली है, लेकिन ये मौसम ने परिवारों को भी जोड़ा है राजदा। अभी आप ये पूछेंगे कि कैसे, तो लोग घरों में रहे हैं और घरों में जो है अमूमन काम करने वाले जो लोग हैं वो बाहर घूमते हैं या बहुत कम समय घरों में रहते हैं, तो बारिश की वजह से कल रविवार का दिन था और रांची की जो सड़कें हैं सूनी थी, तो अमूमन लोग घर में थे और मौसम का आनंद भी ले रहे थे, लोग चाय पकौड़ी और अपने जो लजीज जो भोजन है उसका लुत्फ उठाया। और वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करते हैं नदियों तालाबों की, तो उसकी जो खूबसूरती है रांची के आसपास जितने भी फॉल्स हैं तमाम जो फॉल्स हैं उनकी सुंदरता बढ़ गई है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात हम ये कह सकते हैं कि जो खेतों में जो धान लगे हैं या खेतों में जो सब्जियां हैं, सब्जियां बर्बाद जरूर हो रही हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों का जो आगे का भविष्य क्या होगा वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि जिस समय बारिश की आवश्यकता थी उस वक्त बारिश नहीं हुई और अब जो है जहां धान के खेत हैं उसमें पानी भर गया है और जो धान के पौधे हैं वो कहीं कहीं गिर भी रहे हैं, सड़ भी रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये जरूर कहेंगे कि इस पानी ने आम लोगों की परेशानियों के साथ साथ किसानों की भी परेशानियां बढ़ा दी हैं। कई जगहों में जो ट्रेनों का परिचालन है वो रुक गया है, जिस तरह से बिहार में आप देखेंगे कि वहाँ की बहुत भयावह स्थिति है, तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से 1 अक्टूबर के बाद मौसम होता है, क्योंकि ये दुर्गा पूजा की माने तो उसमें जो माँ दुर्गा का जो आगमन हो रहा है ये बंगाली कैलेंडर के अनुसार घोड़े पे हो रहा है, और ऐसे हिंदी पंचांग के अनुसार देखेंगे बनारस पंचांग के अनुसार तो हाथी पे हो रहा है, तो इसे हम एक तरह से हाथिया नक्षत्र भी कहते हैं, यदि पंचांगों में आप जाते हैं तो इसे इस मौसम को हाथिया नक्षत्र भी कहा जाता है, जिसमें 5 दिनों तक बारिश का योग होता है, तो ये हम लोग देख भी रहे हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ पंडित जो पंडित हैं उनकी अलग मतलब विशेषता है विद्वता है, तो वहीं मौसम विभाग जो कहता है, तो दोनों का यदि तालमेल आप करेंगे तो कहीं ना कहीं बातें फिट बैठती हैं, तो ये हथिया नक्षत्र है तो 5 दिनों तक जो बारिश का योग है तो पानी आएगा ही और लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी, लेकिन मौसम का मिजाज है, मौसम का आनंद भी लेना चाहिए। चलिए, तो मौसम का आनंद भी लोग ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है परेशानी भी बड़ी है। और जरा अरविंद, वहां पर दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि बारिश ने थोड़ी खलल पैदा जरूर की है। देखिए राजा, मैं बता दूं कि निश्चित तौर पर दुर्गा पूजा के की तैयारी पर व्यापक असर पड़ा है। जो पूजा पंडाल जहां मंदिर है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पूजा पंडाल का भव्य पंडाल का निर्माण कराया जाता है वहां निर्माण में खलल पड़ा है, जो कारीगर वह काम नहीं कर पाए तो 4 दिन तक काम बाधित हुआ। इस कारण निश्चित तौर पर पंडाल निर्माण में असर तो पड़ेगा, लेकिन जो आयोजक है उनका कहना है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो रात दिन काम करके पंडाल का निर्माण करवा लिया जाएगा, तो जो असर होना चाहिए रास्ते, जो दुर्गा पूजा पंडाल की ओर जाने वाले रास्ते हैं उसकी स्थिति काफ़ी जर्जर हो गई है।
स्टेशन रोड की बात की जाए, जहाँ सुरो सुंदर इंस्टीट्यूट में एकेडमी का दुर्गा पूजा होता है, वहाँ की स्थिति इतनी जर्जर है कि उधर रिक्शा के लोग जाना नहीं चाहते उस मार्ग पर, रिक्शा वाले भी जाना नहीं चाहते, ऑटो वाले भी जाना नहीं चाहते। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश ने इस तरह से रोड की स्थिति जर्जर कर दी है कि जहाँ रिक्शा वाला जाना नहीं चाहता वहाँ श्रद्धालु कैसे पहुँचेंगे। ये तमाम सवाल है और ये विभाग के लिए चुनौती भी है कि अभी शेष जो समय है उसमें कम से कम मार्ग जो है पूजा पंडालों की ओर जाने वाले उसे दुरुस्त कर दिया जाए ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। इंद्रदेव थोड़े मेहरबान होंगे और जो दुर्गा पूजा है वो लोगों की अच्छे से बीते, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। अंजनी प्रभात और अरविंद, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें और जानकारी देने के लिए। तो बारिश के वजह से जिंदगी थोड़ी सी थम सी जरूर गई है, लेकिन जब दुर्गा पूजा है तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं तो उत्साह में भी कोई कमी नहीं दिख रही है। हालांकि पंडाल के काम थोड़े से धीमी गति से चल रहे हैं क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा। अब उम्मीद की जा रही है कि मौसम थोड़ा साफ हो तो पंडाल का जो निर्माण है वो युद्ध स्तर पर चले। खबर खास में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।